हेलो ऑल व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पहला लेक्चर है, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बोल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर काफी लेक्चर्स किए हैं। इसमें हम लोगों ने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक ओवरव्यू लेंगे और ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लाइट माइक्रोस्कोपी से कैसे अलग है, क्या वजह थी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बनी और क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आजकल इतनी ज्यादा यूज हो रही है। इन सारी चीजों को समझेंगे एक कंपैरेटिव फॉर्म में, किस तरीके से वो लाइट माइक्रोस्कोपी से अलग है। कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है साइज का। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते चले साथ में तो आपको मुझे लगता है ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने यहां पहला लिख दिया कि लाइट, ये लाइट माइक्रोस्कोपी हो गई और यहां पे इलेक्ट्रॉन, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अब हम डिफरेंसेस लेते चलते हैं। पहला पॉइंट था हमारा साइज का। साइज हम जानते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं, आप सबने यूज किया होगा, बहुत छोटे होते हैं, आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये है स्मॉल। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा है, चाहे वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट पूरा एक कमरा ले लेते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लार्ज। साइज का एक बहुत बड़ा इशू है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दूसरा कॉस्ट, हम सब जानते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं लेस एक्सपेंसिव और यहां पे हाईली एक्सपेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिएशन टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हम एक्चुअल साइंटिफिक डिस्कशन शुरू करते हैं। रेडिएशन टाइप, अब आपको क्या लगता है कि लाइट में जो सोर्स यूज होता है वो क्या करता है? लाइट प्रोवाइड करता है, नीचे से लाइट फोकस करता है, तो वो लाइट सोर्स यहां पे किस तरीके का सोर्स यूज होता है? लाइट सोर्स यूज होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको पता होगा कि वहां पे सोर्स जो है वो लाइट का ना होकर के इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है। जो लाइट सोर्स में, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, टंगस्टन का छोटा सा फिलामेंट या लैंप होता है जिसको जलाते हैं, लाइट नीचे से जाती है, ऊपर सैंपल के ऊपर पड़ती है और वहां से होकर के आईपीस से होते हुए आंख की तरफ चली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एक 50 किलोवाट से ज्यादा का एक सोर्स होता है टंगस्टन का, टंगस्टन फिलामेंट होता है, जिसको हीट करने पर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वही इलेक्ट्रॉन्स जो है जाकर के आपके सैंपल के ऊपर पड़ते हैं जिससे कि आप इमेज देख सकते हैं। तो वहां यहाँ पे जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए मैंने लिखा, और यहाँ पे सोर्स जो है वो लाइट सोर्स है। तो इससे अंतर क्या पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन यूज करने से और लाइट यूज करने से क्या अंतर पड़ जाता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते होंगे और अपने पहले क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि रिजोल्यूशन लिमिट क्या होती है या किसी माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर क्या होती है। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहां पे, तो डी, अगर हम लोग इसको यहां समझने की कोशिश करें, डी जो होता है, डी इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा बाय एन ए। एन ए यहां पे क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है, और डी क्या है, रिजॉल्विंग लिमिट है। ये क्या है, रिजॉल्विंग लिमिट है, और ये पूरा फॉर्मूला है रिजॉल्विंग लिमिट का। आपको पता है माइक्रोस्कोप की खास चीज दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है, मैग्निफिकेशन, और दूसरी चीज क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिजॉल्विंग लिमिट के। अब समझ लेते हैं रिजॉल्विंग लिमिट क्या है। सपोज करिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, आपका माइक्रोस्कोप इन दोनों पॉइंट्स को
कितना आसानी से अलग अलग क्लियरली आपको दिखा सकता है, वही उस माइक्रोस्कोप की क्या हो जाएगी, रिजॉल्विंग लिमिट हो जाएगी। ये पॉइंट्स जितना नजदीक आते जाएंगे और तब भी आपका माइक्रोस्कोप उसको क्लियरली दिखा नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपके माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट बहुत लो है और रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये पॉसिबल हो पाता है कि उसकी रिजॉल्विंग लिमिट बहुत कम हो जाती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा इतने डिस्कशन से कि जिस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग लिमिट कम हुई वो माइक्रोस्कोप ज्यादा बेहतर है। ये क्लियर हो गया होगा इस डिस्कशन से। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये समझते हैं। अब आप देख रहे हैं ये डी, डी क्या है, रिजॉल्विंग लिमिट है। हमें क्या चाहिए कि रिजॉल्विंग लिमिट कम से कम हो, रिजॉल्विंग लिमिट हमें कम चाहिए। अब आप देख रहे हैं d क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, लैम्डा के। लैम्डा क्या हुआ, वेवलेंथ हुआ। क्लियर है इतना। लाइट सोर्स की आप लोगों को पता होगा वेवलेंथ कितनी होती है, लगभग लगभग 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है लाइट सोर्स की वेवलेंथ। और वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली जाए तो वो लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, तो अगर आप d को लैम्डा के प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो d को कम करने के लिए लैम्डा का कम होना बहुत जरूरी है। तो लैम्डा किस केस में कम है, इस केस में कि इस केस में, जाहिर सी बात है इस केस में लैम्डा कम है, इसीलिए जो रिजॉल्विंग लिमिट है या d है वो बहुत कम आती है। किस केस में, आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन पावर है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप के। इस डिस्कशन से कम ये तो आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिजॉल्विंग पावर अगर हम लोग बात करें उसकी, तो हम लोग आगे अभी उसको डिस्कस कर लेंगे कितना कितना रिजॉल्विंग पावर है। क्या, चलिए अभी बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप की होती है, रिजॉल्यूशन लिमिट होती है वो क्या है, वो लगभग लगभग 200 नैनोमीटर के आसपास होती है। यानी कि 200 नैनोमीटर का डिस्टेंस है अगर दो पॉइंट्स के बीच में तो वो उसको क्लियरली रिजॉल्व कर लेता है। और यहाँ पे ये 0.2 नैनोमीटर के आसपास रिजोल्यूशन लिमिट होती है। ये मैं इसको रब कर देता हूं यहाँ पे, और इसकी रिजोल्यूशन लिमिट कितनी होती है, 0.2 नैनोमीटर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है दोनों में रिजोल्यूशन लिमिट के अगर हम बात करें तो। तो ये क्लियर हो गया होगा रेडिएशन टाइप से रिजोल्यूशन लिमिट के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी माइक्रोस्कोप की दो खास चीजें होती हैं, रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कितने गुना ज्यादा कोई चीज मैग्निफाई या बड़ी होकर के दिख सकती है। तो अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होता है वो लगभग 1000 गुना से लेकर के 1500 गुना तक देखा जाता है, इससे ऊपर भी बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, तब इमेज जो होती है वो आपकी ब्लर्ड दिखने लगती है, क्लियर इमेज नहीं दिखती। लेकिन अगर आप यही बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो 500,000 या इससे भी ज्यादा टाइम्स मैग्निफाई करने की क्षमता होती है किसके अंदर, आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये तो अंतर हो गया मैग्निफिकेशन के बारे में। कंट्रोल ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। जब आप लोगों ने मेरे लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि दो तरीके के लेंसेज वहां पे यूज हो रहे थे। कौन कौन से दो तरीके के लेंसेज, एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, एक आई पीस था। तो उन दोनों लेंसेज का मटीरियल क्या था, मटीरियल था ग्लास का। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं यहां पे आपको ग्लास से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे लाइट सोर्स था, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए या लाइट को पास करने के लिए ग्लास चल जा रहा था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जहां पे हम उसको पॉइंट करना चाहते हैं वहां भेजने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। यहां ग्लास के लेंसेज थे, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा।
इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से कंट्रोल होती है, यहाँ पे ग्लास के लेंसेस के थ्रू, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का कंट्रोल किया जाता है। रेजोल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, आपको क्लियर हो गया होगा। कलर्ड इमेजेस के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लाइट माइक्रोस्कोपी में, अगर हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करें, तो वहां पे जो स्टेन्ड इमेज है, जो अगर हम लोग स्टेन कर लेते हैं कोई सैंपल को, तो वो बहुत क्लियरली दिखने लगता है, कलर्ड इमेज उसकी बनती है। लेकिन अगर हम लोग को स्टेन नहीं कर सकते कोई चीज, तो अनस्टेन्ड इमेज को डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे कलर्ड इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही नजर आएगी। तो यहाँ पे कलर्ड इमेज की बात करें तो नो, कलर्ड इमेज नहीं दिख सकती, और यहाँ पे कलर्ड इमेज दिख सकती है और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही दिखेगी। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यूजेज के ऊपर। यूजेज क्या है? नॉर्मली स्कूल्स और कॉलेजेस जो होते हैं, वहां पे लाइट माइक्रोस्कोप का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन या बहुत ज्यादा रिजॉल्विंग पावर की जरूरत नहीं है। जो रिसर्च जो लैबोरेटरीज होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाई एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमें बहुत इंटरनल ऑर्गेनिल्स के बारे में या बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर किसी चीज का पढ़ना होता है, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज होता है। तो ये बात हो गई यूजेज की। इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी का लेक्चर याद हो, तो आई पीस के नजदीक में जो व्यूअर होता है वो अपनी आंख को रखता है, जिससे कि उस जो सैंपल होता है उसकी इमेज कहां बनती है? रेटिना के ऊपर सीधे बनती है। तो इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहां पे फॉर्म हो रही है लाइट माइक्रोस्कोप के केस में? रेटिना पे। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में कहां फॉर्म होती है इमेज? हमेशा एक्सरे फिल्म के ऊपर या फ्लोरोसेंट फिल्म के ऊपर या डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होती है। कंप्यूटर अटैच्ड रहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो स्क्रीन के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहां पे आप रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन नहीं करवा सकते डायरेक्टली। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे मैं स्क्रीन लिख दे रहा हूं, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूम की। वैक्यूम से मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो चेंबर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से फ्लो करते हैं, इसीलिए वहां पे अगर एयर के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, एयर मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पाया जाएगा, तो क्या होगा? उसके मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको रोकेंगे, उसको बाधित करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से पहले पूरा चेंबर वैक्यूम रहता है, वैक्यूम किया जाता है उसको, ताकि इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली फ्लो कर सके। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइट माइक्रोस्कोप नॉर्मली रखा रहता है, आप देख सकते होंगे, और एयर में फंक्शनल होता है, आराम से उस पर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैक्यूम की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में वैक्यूम की जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम की जरूरत है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सारे पॉइंट्स के बेसिस पे डिस्कशन किया। अब आप अपनी स्क्रीन पे अगर आप देखें, तो आपको एक इमेज दिखाई देगी जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर दिया हुआ है। इससे आप क्लियर कट समझ पाएंगे कि कितना बल्की है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप कितना इजी टू यूज है, कितना छोटा सा है, उसका साइज कितना कम है। दूसरी इमेज में आप देख पाएंगे कि एक ही चीज को अगर हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देखें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो उनमें कितना अंतर देखने को मिलता है। तो आप क्लियर कट समझ पा रहे होंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा मैग्निफाई या रिजॉल्व नहीं कर पाता, वहीं आप जब स्कैनिंग या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज देख पा रहे होंगे, तो उसमें क्लियरिटी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ ये मेरा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी खत्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व कर दूंगा। और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।